बगैर किसी तमीज की गुजारिश कर रहा हूँ, जनाब मोहतरम खादिम शब्बीर नसीर आबादी साहब से तशरीफ ले आए। आप हजरात बावाज़े बुलंद नारे सलावात से इस्तकबाल करें। तशरीफ ला रहे हैं जनाब मोहतरम खादिम शब्बीर नसीर आबादी साहब, इस्तकबाल करें बावाज़े बुलंद नारे सलावात। खिदमत किए दे रहा हूँ, उसूल के आईने में अगर मतरूहा महफिल है, क्योंकि साहिब नज़र हज़रात बैठे हैं, कुछ शुआरा भी बैठे हुए हैं, इसलिए जुरत कर रहा हूँ एक मिनट की तमहीद पेश करने के सिलसिले से कि अगर मतरूहा मकासदा है तो पहले उसूलन तरह में कलाम पेश करना चाहिए। एक और बढ़ा दो मियां, 101 कर दो। ओ साहिब नज़रात हैं, इसलिए पेश खिदमत कर रहा हूँ, बस इस तमीद के बाद मुलाजा फरमाए, दुरूद भेजें। गुजारिश ये है कि भैया थोड़ा सा खला पूर कर लें। आप हजार आज्ञा देंगे सचिव भाई, इसलिए नहीं कि आमादा हो जाएं आप दाद देने के लिए, बस थोड़ा सा आ जाएं, खला जो है वो नजर ना आए, इसलिए पेश खिदमत किए दे रहा हूँ। दुरूद फिर एक बार भेजें। शब्बीर की माजा ही है।
मैं ये भी बदला कि शाम की जालिम हुकूमत सुन के ये थर्राई है, शाम की जालिम हुकूमत सुन के ये थर्राई है, दी बचाने के लिए जैनब जहां में आई है, दी बचाने के लिए जैनब जहां में आई है, दी बचाने के लिए एक मतलब सुने कि रिफ़ुअत मेरा ये दुनिया में तूने पाई है, रिफ़ुअत मेरा ये दुनिया में तूने पाई है, मिसा सुने अपनी नुसरत के लिए तुझको इमामत लाई है, कहा है बनवा भैया अपनी नुसरत के लिए तुझको इमामत। देखिए मैंने कह दिया मरकजी जगह मैं बेपनाह बाग बाग होता हूँ लखनऊ में अपना कलाम पेश करने के लिए, मगर ये जान लीजिए कि मैं एक इंजेक्शन लगा के दाद नहीं लेता हूँ, भिखारी नहीं हूँ दाद का, ये बिल्कुल जहन से निकाल दीजिएगा, कादिम से दाद का भिखारी नहीं है। कम अज कम जिसमें ला शरीक शरीक है उसमें तो कंजूसी ना बरते हैं आप हजार, यानी अपनी नुसरत के लिए तुझको इमामत लाई है, वो हो अहले या वो साकिनाने अर्श हूँ, वो हो अहले फर्श या वो साकिनाने अर्श हूँ, कौन है जिसने न तेरे घर की रोटी खाई है, जिसने न तेरे घर की रोटी खाई है, और ये विषय सुने ज़ैनब सरवर की दुनिया में, ज़ैनब सरवर की जो दुनिया में बन जाए मिसाल, ज़ैनब सरवर की जो दुनिया में बन जाए मिसाल, दहर में ऐसी बहन कोई ना ऐसा आई है, दहर में ऐसी बहन कोई ना ऐसा है, दुरुद भेजे दुरुद एक सहारा है, ज़ैनब सरवर की जो दुनिया में बन जाए मिसाल, दहर में ऐसी बहन कोई न ऐसा भाई है, रोब तारी क्यों ना हो फिर शाम के दरबार पर, रोब तारी क्यों ना हो फिर
फिर शाम के दरबार पर सूरत हैदर सरे दरबार ज़ैनब आई है, सूरत हैदर सरे दरबार ज़ैनब आई है, रो रहा है ज़ुल्म खुद अपनी शिकस्त फाश पर, रो रहा है ज़ुल्म खुद अपनी शिकस्त फाश पर, फतह कसरे शाम में ज़ैनब ने ऐसी पाई है, फतह कसरे शाम में ज़ैनब ने ऐसी पाई है। दूध भेजे दो अशारों मुलादा फरमाए, बोली सुन ले यजीद, बोली ये दरबार में शहर की बहन सुन ले यजीद, तेरे ही घर में तुझे ज़ैनब हराने आई है, तेरे ही घर में तुझे ज़ैनब हराने आई है, तेरे ही घर में तुझे ज़ैनब हराने आई है, और आज तक है नाज जिस पर चादरे तत्हीर को, आज तक है नाज जिस पर चादर तत्हीर को, तेरी चादर ने जहां में ऐसी मंजिल पाई है, तेरी चादर ने जहां में ऐसी मंजिल पाई है, रख दिए एक शेर और सुने, रख दिए ज़ैनब कसरे शाम में अपने कदम, रख दिए ज़ैनब कसरे शाम में अपने कदम, अब यजीदे नहस की लिखी हुई रुसवाई है, अब यजीदे नहस की लिखी हुई रुसवाई है, बाप की ज़िल्लत है और शब्बीर की माँ जाई है। शेर मुलादा फरमा लें, एक मिसरा समाज फरमाए तराही का, उसके बाद पेश खिदमत किए दे रहा हूँ। चंद शेर मुलादा फरमाए, दुरूद भेजे अंदाज तो मैं पेश खिदमत कर दूँ। मुलादा फरमाए दो तीन शेर, एक कलाम के दो तीन अशआर, क्योंकि दो शोरा भी माशाल्लाह मेरे बाद हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि चंद ही शेर पेश खिदमत करूँ। आप हजरात भी के लिए मैं तो चाह रहा था कि कुछ और पेश करूँ, बैनर तामीलों हुक्म कर दूँगा। तो बेगुजारी से दुरूद भेजें बलंदाबाद में।
तमसिनी मछली तो रन में मुर्तजा हो जाएगी। खिदमत किए दे रहा हूँ मुलादा फरमाए दो तीन अशार इसमें ये सलाम मेरा। हालांकि वो कसरत से इस्तेमाल होता है और कहना भी चाहिए वो शायराना तसव्वुर के एतबार से कि मेरा कहा हुआ, हालांकि ये गलत है। मधो मंतवर जो है वो आता है, शायर खुद नहीं कहता, लेकिन कसरत से इस्तेमाल यही हो जाता है। ये सब आता है। तो मैंने अपनी उम्र के शुआरा जो हैं अगर खुदा न खास्ता लफ्जिश हो गई और तसव्वुर नाकिस जहन में पैदा हो गया तो शायद महफिलें फिर मिली नहीं हैं। यह भी मुशाहिदा मेरा तजुर्बा है, बहुत से नाम हैं, लेकिन बस जो ताईद है वो पेश खिदमत कर रहा हूँ अपने इस मोहतरम मजमे की। मुलाजा फरमाए कमसिनी मछली तो रन में मुर्तजा हो जाएगी। बस सामीन कराम हज़रत मुलाजा फरमाए, मैं देख रहा हूँ नरपरी भाई सुरू साहब है शायद जी 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 जो मुश्किलों में अली को पुकार लेते हैं। बहुत थक चुके मगर सुने, जो मुश्किलों में अली को पुकार ले लेते हैं वो डूबती हुई। मलाए मुत्तकिया मैंने हर नबी की मदद की है। वो डूबती हुई कश्ती उभार लेते हैं। शेर सुने नहीं वो जाते किसी बादशाह के दर पर, अली के दर पर जो दामन पसा दे। मुशाहिदा सुनो, मुशाहिदा सुनो बेटा, बहुत सुनो अली के चारों को नहीं सुनाता हूँ, हम मुनाफिकों को नहीं सुनाता हूँ। नहीं वो जाते बादशाह, बस आप ही की तरफ मुखातबा है, मैं तो घूम गया स्टेज की तरफ, मुखातबा मेरा सामने ज्यादा रहता है। नहीं वो जाते किसी बादशाह के दर पर, अली के दर पर जो दामन पसार लेते हैं। मतलब मैंने सोचा कि लखनऊ में क्या अदबी गुफ्तगु करना, इसलिए गुफ्तगु नहीं की, वरना ये लेते हैं अगर कवाफी संभल न सके शायर से तो देते हैं पे इतलाक हो जाएगा। बोलता नहीं हूँ लखनऊ में, कम बोलता हूँ। अली के दर पर जो दामन पसार ले ते हैं, महाराज सुने बेटा, ये आलम को ले के वही भागते हैं मैदा से, जो आसी को चढ़ा कर उतार, वाह
वही वही भागते मैदान से जो आस्ती को चढ़ा कर उतार लेते हैं। सुने तालीब दुआ है खादिम शब्बीर फकीर और फकीर बदुआ शाह तजमीन हुई है, उसके बाद तीन चार शेर पढ़ने, इसलिए मैं तमाम 32 अशआर हैं इसमें मौलाना ने अता किए, मैं दो शेर हूँ सुनिए। जो आस्ती को चढ़ा कर उतार लेते हैं, सुने भैया कहा ये अजरक शाली से रंग कासिम ले, कहा ये अजरक शाली से रंग कासिम ले, निगाह मिलते ही हम सारों भाई का भाई आखिरी शेर
याद है मिसा पैगंबरों को जमीन पर उतार लेते हैं। मुरादा फरमा कहीं में हम अली को पुकार लेते हैं कुछ इस तरह के इमामों के होते हैं सजदे पैगंबरों को जमीन पर उतार जिस तरह के इमामों के होते हैं सजदे पैगंबरों को जमीन पर उतार लेते हैं जो मुश्किलों में अलम को लेके वही भागते हैं मैदान से जो आस्ती को चढ़ाकर उतार लेते हैं जो आस्ती को चढ़ाकर उतार लेते हैं। बस तो दो मतलब दो शेरों सुन ले कि भैया आपकी फरमाइश जो है बस शक्ल फरमाइश होती तो है लेकिन उसमें फीसदी जो है वो इश्तराक हुक्म का होता है जो मैं महसूस करता हूँ अपनी बात अर्ज कर रहा हूँ। गुजारिशात में भी हुक्म पोशीदा होता है इसलिए तामील हुक्म करूँगा मैं। भैया रोक दीजिए एक मिनट। खुदनुमाई का माफ कीजिएगा आप हजार बहुत चाय पीता हूँ पीता नहीं खाता हूँ। बस बेटा माफ कीजिएगा हो सकता है कि ख्वाहिश रही हो लेकिन ये कि थोड़ा रुझान बदल जाता है नफ्सियाती असर पड़ता है शायद मुझ पर ही क्या जो माशाल्लाह सब बैठे हैं उन पर भी पड़ेगा अगर ऐसा हो कोई खादिम शब्बीर नहीं करता। मुलाजा फरमाया कि कम सिनी मछली तो रन में मुर्तजा हो जाएगी। कम सिनी मछली तो रन में मुर्तजा हो जाएगी। अब ये हो जाएगी बस ऐसा साहब एक कनाया है अहले नज़र आज़ाद की हो जाएगी और मुर्तजा मैं कभी कभी होता है तानीज़ और तस्कीर का झगड़ा आन पड़ता है शायर की तबीयत पर तो हर मुश्किल को मुश्किल कुशा हल करते हैं तो हल वो नहीं होना है उसकी तो परवाह ही नहीं होती खादिम शब्बीर को इसलिए कि उधड़ी से मिलता है जब मिलता है तो फिर सारी मुश्किलें हल होंगी इंशाल्लाह। तो अब मतला सुने जहाँ जहाँ दर्द पेश खदमत किए दे रहा हूँ दो मतले और दो शेर तस्वीर उसके बाद एक शेर फिर इंशाल्लाह आपके हुक्म की तामील तीन चार से पेश खदमत करूँगा। दुरुद भेजे दूर तक सहारा भी देता है।
कुछ हमसे यूं खाके शफा हो जाएगी, मुंसल कुछ हमसे यूं खाके शफा हो जाएगी। नतीजा सुने, मुंसल कुछ हमसे यूं खाके शफा हो जाएगी, करबला के हम हमारी करबला हो जाएगी, करबला के हम हमारी करबला हो जाएगी, करबला हो जाएगी, मुंसलिक कुछ हमसे यूं खाके शफा हो जाएगी, करबला के हम हमारी करबला हो जाएगी। अब शहजादी के लिए करबला सुने, परवरदिगार ने जिस अजीबुल मर्तबक शख्सियत के लिए कहा, रसूलुल्लाह से मुखातिबा है, महबूब खुदा से, खुदा के महबूब है, कि अगर अली को जहूर में न लाना होता, पैदा न करना होता, तो तुम्हें पैदा न करता। और उसके बाद मौलाए कायनात से मुखातिबा है कि अगर फातिमा को पैदा न करना होता, तो तुम दोनों को न पैदा करता। उसके बाद मुझे तो तारीख में नज़र नहीं आया। और मैं गुजारिश भी करता हूँ मोमिनीन और शुआरा ओदबा उलमा की खिदमत में कि अगर कहीं उसके बाद देखा हो ये तसलसल जो मैं पेश खिदमत करने जा रहा हूँ, तो मुझे ज़रूर आगाह कराएं। मुखातबा माबूद हकीकी का इन दो शख्सियतों से है, जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि को मरकज़ बनाकर, कि अपने महबूब से कहा कि अगर अली को तुम्हारे नासिर को न पैदा करता, तो तुम्हें न पैदा करता, और अगर अपनी कनीज को न पैदा करता जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि, तो तुम दोनों को न पैदा करता। उसके बाद मुखातबा जनाब फातिमा से नहीं ये मांगू दिया। और फिर सिलसिले ज़ाहिर है कि 11 मासूमों की माँ है जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि। बस ये तसलसल है। अब मतलब मुलाहिज़ा फरमाए, करबला के हमारी करबला हो जाएगी, यूं मुताहिर बिल्टे महबूबे खुदा हो जाएगी। भाई मुलादा फरमाएंगे, लफ्ज मुताहिर के साथ सारी मिसा सुनेंगे, दिलते महबूबे खुदा हो जाएगी, आके इस उम्र खुद कनीज़े फातिमा हो जाएगी, आके इस उम्र खुद कनीज़े फातिमा हो जाएगी, आके इस उम्र खुद कनीज़े फातिमा हो जाएगी, बोली ज़ैनब होगा तब ऐलान शह की जीत का, जब यजीदी कसर में कायम आजाद हो जाएगी, जब यजीदी कसर में कायम आजाद हो जाओ,
करबला ने तो दो हो जाओ एक करबला आने तो दो इसकी दवा हो जाओ एगी खूब बस तजमीन का मिसा सुने खूब वाकिफ थे हुसैन इब्ने अली इस बात से कम सीनी हिम्मत ली तो रन में मुर्तजा हो जाएगी काउंसिली मछली तो रन में मुर्तजा हो जाएगी काउंसिली मछली तो रन में मुर्तजा हो जाएगी करबला के हमारी करबला हो जाएगी बस मुलाद फरमाए मतलब मैं तजमीन तीन चार से सुन ले तामिल हुक्म में अहले दिल अहले यकीन अहले रजा आता है ये मुगल गजल की मैं मिसरा था अहले दिल अहले यकीन अहले रजा आता है आज काबे में नुसैरी का खुदा आता है आज काबे में नुसैरी का खुदा आता है दो शेर सुने कि जाने क्या मिलता है इस दर से जहां लोग जिसको देखो डरे है दर पा चला ये मैं
بدعت کا سلیقہ مولا بھئی شانی مرزا آپ شعرا کے لیے خصوصی طور سے آپ نے بخشا ہے مدحت کا سلیقہ مولا ورنہ مجھ خادم شبیر کو کیا Yeah.